हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास सिक्स का जो इंट्रोडक्शन है, जो चैप्टर्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह क्लास सिक्स टू एट तक सभी डेफिनेशन बहुत ही यूजफुल हैं और यह एक तरीके से नोट्स हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये क्लास सिक्स पे डिपेंड है, सिक्स टू एट तक। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर नोइंग नंबर्स और प्लस इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आई बी यूज द टेन सिंबल। हम लोग क्या करते हैं, टेन सिंबल यूज करते हैं, जो कि जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। इन्हीं सिंबल से हम नंबर्स को क्रिएट करते हैं और इसी नंबरों से हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग बनाते जाते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द नंबर्स आर, अब देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ नंबर्स आर क्या क्या होते हैं। पहला नेचुरल नंबर, काउंटिंग्स नंबर फ्रॉम वन, टू, थ्री, फोर एल्सेट्रा आर कॉल द नेचुरल नंबर, जो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग फ्रॉम वन, टू, थ्री, फोर। होल नंबर्स, काउंटिंग नंबर फ्रॉम जीरो, वन, टू, थ्री नोन एज द होल नंबर। इंटीजर, ऑल नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। इन माइनस इन्फिनिटी, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू एंड डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर आर कॉल्ड द रियल नंबर। एग्जाम्पल, माइनस थ्री, वन, वन बाई टू, माइनस थ्री बाई फोर, सिक्स एंड सो ऑन। इवन नंबर, अ नंबर डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड इवन नंबर। एग्जाम्पल, टू, फोर, सिक्स एंड सो ऑन। ऑड नंबर, अ नंबर नॉट डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड ऑड नंबर, वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, एलेवन। प्लेस वैल्यू क्या होती है, अ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट विच इज़ द ड्यू टू द इट्स पोजिशन इन अ नंबर्स इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। एग्जाम्पल, थ्री इन द नंबर, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो इसका प्लेस वैल्यू आफ्टर थ्री के बाद कितने डिजिट हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, तो वन के बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे हम वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, जीरो से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, यह मेरा थ्री लैग बन जाएगा, इसी को हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबर इज इट्स फेस वैल्यू। जैसे एग्जांपल, इट द रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, मतलब इट्स पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इन द थ्री, मतलब प्लेस वैल्यू इन नंबर फोर, थ्री, सेवन, जीरो, वन, एट, सिक्स में इसका जो फेस वैल्यू होगा वह थ्री ही रहेगा। फेस वैल्यू मतलब जस्ट फेस टू फेस। नोट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का क्या फार्मूला, कैसे हम वो करते हैं, जब हम फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये फॉर डिवीजन के लिए, बोथ आर सेम होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इनटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इनटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इनटू प्लस इक्वल टू प्लस। जैसे एग्जाम्पल है, टू इंटू माइनस थ्री, तो इसका एग्जांपल माइनस सिक्स आएगा। जैसे प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे ना कि प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, इसी तरीके से माइनस टू इंटू माइनस थ्री इक्वल टू प्लस सिक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसी तरीके से डिवीजन का होगा, प्लस डिवाइडेड माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस डिवाइडेड बाई प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस डिवाइडेड बाई प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस डिवाइडेड बाई प्लस इक्वल टू प्लस। जैसे एग्जाम्पल, माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस फाइव, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और प्लस आएगा। जैसे माइनस और माइनस इक्वल टू प्लस। चलिए अभी नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ फ्रैक्शन इज द क्वान्टिटी विच एक्सप्रेस और द पार्ट ऑफ द होल, मीन्स यह क्या होता है, ए पार्ट ऑफ होल होता है। जैसे फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, फॉर एग्जाम्पल टू बाई थ्री या ए बाई बी नोन एज द फ्रैक्शन। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इसके कई टाइप्स होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन,
अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, इस कॉल प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/3 एग्जाम्पल, जैसे 2/3, 3/7, 14/122 एंड सो ऑन। आप देखिए इसी तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर दे इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप देखिए एग्जाम्पल 12/7, 8/3 एंड सो ऑन। अब देखिए बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। अ मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स, वन एन इंटीजर एंड अदर फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे 3 whole 5/11 है, तो ये जो 3 है यह मेरा क्या है, यह पूरे इंटीजर है, और जो 5/11 है यह क्या है, फ्रैक्शन है, जो कि अभी हम आगे डिस्कस किया हूँ। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। तो इसी को, इसके टू पार्ट्स होते हैं, 3 whole 5/11, तो इसको एक इंटीजर हो गया और यह मेरा फ्रैक्शन हो गया। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फोर्थ पार्ट। अब अ फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जिसकी सेम डिनोमिनेटर मींस न्यूमरेटर कुछ भी हो बट जो डिनोमिनेटर, जो निचला वाला हिस्सा, जो नीचे वाला पार्ट है, यह सेम होना चाहिए, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से अनलाइक फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर नोन एज द अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे अभी तो हमें लाइक में क्या था, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, कि द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन डज नॉट चेंज व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय सेम नंबर। सेम नंबर से, यहाँ पे देखिए यहाँ सेम नंबर है, जैसे एग्जांपल 2/3, तो 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। इसी तरीके से 9/12 है, इसको सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, ज़रा ध्यान देना बच्चों, सेम नंबर से, अलग अलग नहीं कि यहाँ 3 से और यहाँ 4 से, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, 9/3 एंड 12/3, देन वी गेट 3/4। 3/4 और 9/12 बोथ आर सेम, क्योंकि सेम नंबर से हम डिवाइड किए हैं। इसी तरीके से 2/3, ये जो 2/3 है या 4/6 के बराबर है, क्यों, क्योंकि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए हुए हैं। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर डेसिमल।